और हमारा ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री था होटल में, सोचो हमने वो भी छोड़ दिया। हाँ? जीशान भाई ध्यान रखना कोई ट्रैफिक वायलेशन ना हो हम लोगों से अभी ना। हाँ। तो भाई फोटोकॉपी तो हो गई, जल्दी जल्दी चलते हैं अब, पहुंचते हैं, टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है यार। इतने घने पहाड़ हैं यार यहाँ के, मतलब मेरे को लग रहा है बिल्कुल टेंस, एक छोटी सी भी स्पेस नहीं है बीच में। वो देखो दिखा आपको माउंटेन, इतने सही लग रहे हैं, पता नहीं कौन सा माउंटेन अभी क्लाउड में छुपा जा रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो ये ना, हम अभी चाइना के आज तक हम लोग जितना क्लोजेस्ट आ पाए ना, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। ओवर हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यार अभी हम लोग थोड़ा सा फंस गए हैं तो इसलिए आपको यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम हो गया है 9:34 और अभी अभी हमें पता चला, हमारा जो बंदा है जिसने हमें परमिट दिलाया है नाथुला का और जुलूक का, उसने बताया कि 10 बजे जो पहला चेक पोस्ट है वो बंद हो जाता है, तो आपको अपना परमिट 10 बजे तक कलेक्ट करना है कैसे भी। तो अभी हम निकल रहे हैं यार, और हम लोग कल रात में यार गैंगटॉक घूमते रहे, 12 बजे वापस आए तो उस वजह से हम सो गए यार। तो हम अभी 9:30 बज चुका, अभी उठे ही हैं, मैं तो व्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाया, उसका अभी फ़ोन आया, कल उसने नहीं बताया था आज बताया। सो अभी हम लोग उस चेक पोस्ट पहुँचते हैं, कैसे भी करके अपना परमिट ले लेते हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री था होटल में, सोचो हमने वो भी छोड़ दिया, तो ऐसा हो जाता है यार कई बार। हाँ? जीशान भाई ध्यान रखना कोई ट्रैफिक वायलेशन ना हो हम लोगों से अभी ना। ले भैया एक तो वैसे ही लेट है, ऊपर से जाम, आज बैंड बजने वाली है, हम लोग बंद हो गई, बहुत 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 गलत जगह बंद हुई है इनकी गाड़ी, मुझे लग रहा है ये सेकंड में चढ़ा रहा था। हाँ ज़्यादा साढ़े बनेंगे तो यही होगा, आप आराम से जाना शीश भाई, गड्ढा सा है। बड़ी ढलान है भाई। अरे ले भाई गिनी भाई हमें मिल चुके हैं। चेक पोस्ट के पास दुकान बहुत है, ठीक है, यहाँ लाइट नहीं है, ऊपर इन्वर्टर है, ठीक है, अच्छा, यू हैव टू मेक 5 कॉपी जेरॉक्स, दैट्स ऑल, ओके। किधर है इन्वर्टर? ऊपर ही है, इन्वर्टर है। किनके पास? हाँ वहाँ ऊपर दुकान है, तीन चेक पोस्ट से पहले या बाद में? दुकान ही दुकान, इन्वर्टर है, ठीक है। हमें ऊपर जाना है, इससे पूछ लियो आगे लेफ्ट लेने की राइट, हमें ऊपर ही जाना है ना, लेफ्ट ऊपर है डायरेक्ट, ठीक है ठीक, ऊपर ही चलना, चलो थैंक यू। है आप पूछे कहीं फोटो कॉपी कोई जेरॉक्स देखना आप? हाँ क्या करना है बताओ? पीछे ठीक है, तो मेरे पास है जीरो, आगे वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे आप देखना कुछ हो तो कॉल करना, ठीक है। फोटो कॉपी हो जाएगा मैडम? फोटो कॉपी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लाओ मैं कराता हूँ। तो भाई फोटो कॉपी तो हो गई, जल्दी जल्दी चलते हैं अब, पहुँचते हैं, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है यार, और यार सिक्किम के ना लोग सुनते उनते नहीं है कुछ। 3 मिनट बचे यार, इट्स 9:57 और हमें चेक पोस्ट 10 बजे तक ही खुलता है, अगर 5 मिनट की भी अगर लीनियंसी दे देंगे तो अपना काम हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम लोग गए। इट्स 9:59 अच्छा भाई चेक पोस्ट कहाँ है? ओ भाई लंबी लाइन है, आई थिंक दिस इज द फास्ट चेकिंग। तो फिर अभी तो बंद नहीं हो रही होगी चेक पोस्ट यार ये, है ना? हाँ इतनी लंबी लाइन है तो क्या ही बंद करेंगे, लाइट से मत जाना बस। बैग उधर खड़ा करके आना है यार, ये अलग पंगा है, थोड़ा आगे बढ़ाना जी चांद भाई। अब यहाँ से नहीं, परमिट मतलब चेक हो गया और अभी पता चला है कि नाथुला इज 49 किलोमीटर और 1 बजे तक हमें पहुँचना है। चलो चलो चलो, 14,820 यानी 15,000 फीट पे नाथुला। ओ मैन फाइनली फाइनली, ये क्या कोई कोई टाइम की लिमिट नहीं थी यार, डरा रहा था वो तो। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं यार, हम लोग कुछ खा लेते हैं यहाँ जाके पहले, नहीं तो फिर तो बैंड बजी रहेगी। हाँ है तो ईटिंग प्लेस ही है ना ये, क्या हो गया, क्या खाया जाए? लेफ्ट में खाएं, उधर तो भीड़ लगी है, यहाँ जल्दी मिल जाएगा, कर सकते हैं है ना। फाइनली अभी हम यहाँ रुके हैं यार, टाइम हो गया 10:12, यहाँ मैगी बन रही, मैगी खा लेते हैं और साथ ही साथ बिस्किट विस्किट कुछ खा लेते हैं। आज सुबह सब जो हैक्टिक हुआ ना काम, दिमाग ख़राब हो गया यार, मतलब ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाया सही से। अभी फिर से आपका स्वागत है यार, दोबारा बोल देता हूँ। बाकी अभी चलते हैं नाथुला, अभी हमें पता चला कि 1 बजे पहले पहले हमें नाथुला पहुँच जाना है, तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, तो हम यहाँ मैगी खाते हैं और उसके बाद सीधा नाथुला क्रॉस करके रुकेंगे।
फाइनली हमारा मैगी आ चुका है। भाई भी खाएंगे इसमें। अरे खा लो सीजे भाई। अरे सीजे भाई मैदा ही तो है। क्या क्या हम लोग खा रहे हैं पिछले तीन दिनों से। हाँ भाई मैगी। लो भाई निकल लिए नाथूला। अब थोड़ा एक्साइटमेंट आना स्टार्ट हुआ है कि हम लोग नाथूला टॉप जा रहे हैं। वहाँ से चाइना बिल्कुल पास है। क्या सही व्यू है यार यहाँ से। मजेदार दिख रहा है ना। ये बादल का टुकड़ा देखो मोटा वाला। इतने घने पहाड़ हैं यार यहाँ के। मतलब मेरे को लग रहा है बिल्कुल टेंस, एक छोटी सी भी स्पेस नहीं है बीच में। ऊपर क्लाउड्स बेहतरीन बहते हुए, बहुत ही सुंदर। अरे ये भैया पोट आगे निकल गए भैया। भैया स्लो चलाइए यार। भैया आप दिखने लग गए। अब हम लोग चढ़ते हुए ऊपर, लेकिन दिक्कत ये है कि बाइक थोड़ा देख लो थर्ड गियर में। लेट्स मेक इट सेकंड। अब भाई दम हाइनेस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है अभी तक यार। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। अरे यार सामने वो दिख रहे हैं पुल। विच माउंटेन इट इज? कंचनजंगा पता नहीं। अरे यार बहुत ही बढ़िया यार, इट लुक्स नाइस। ये देखो भाई ये व्यू पॉइंट है, उतर के दिखाते हैं आपको। वो देखो और आपको जूम इन करके दिखाएं। वो देखो दिखा आपको माउंटेन, इतने सही लग रहे हैं। पता नहीं कौन सा माउंटेन अभी क्लाउड में छुपा जा रहा है धीरे धीरे। देखो ये This is the valley. इतनी तेज। लेट्स गो भाई। ये कंचनजंगा व्यू पॉइंट जो था, कंचनजंगा पहाड़, एकदम से इतने बादल आए पूरा छुप ही गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। नथूला पास इज स्टिल 46 किलोमीटर अहेड। 36 बंदे तो कितना तेज निकाल के ले गए यार, देखा आपने? इंटरसेप्टर एंड दैट हिमालयन। क्या फायदा जल्दी चलाने का? रे तो बहुत रिस्की चीज है यार। रिस्की भी है प्लस आप एंजॉय क्या करोगे फिर? सही बात। अच्छा सरप्राइजिंगली अभी तक एक भी गाड़ी वापस नहीं आई है ना? एक आ रही थी बस, और भी लोकल थी, मतलब प्राइवेट कार थी। बाइक बढ़िया चल रही है वैसे। हाँ बाइक बढ़िया चल रही है। कितना एवरेज निकाला आपकी बाइक ने दीप भाई? देखना पड़ेगा। -30.2 आज का माइलेज पता है कितना आया जीशान भाई? 25 आज पहली भी तो है हम लोगों ने। आज अच्छे से रगड़ी है हम लोगों ने भाई। भाई दे रही तुम्हारी 13 दे रही आपकी 13 दे रही है आपकी फॉर्च्यूनर के बराबर दे रही है सर है भी तो फॉर्च्यूनर के बराबर। ये मेरा किसी एक सिंगल दिन में अब तक का सबसे खराब माइलेज है इस बाइक का जी सर। और वो ये सब इसलिए हुआ है कि सुबह वो परमिट के चक्कर में इतनी भगानी पड़ी ना कि बार बार पिकअप लेने के लिए मैं गियर ज़्यादा ऊपर अपशिफ्ट कर नहीं रहा था, कम गियर में ही दौड़ा रहा था। तो उसी में ये कैसा हो गया जैसे हॉलीवुड में नहीं किसी आइलैंड में जा रहे होते थे जहाँ पे वो लोग नया सर्च करते थे कि वहाँ बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है कोई या किंग है ना। हाँ वो वहीं ऐसे ही छुपा रहता था इन्हीं जगहों पर।
हवा रुक जाए उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम इज हवा हवा। एक जगह रुक जाओगे तो भी ओके, ऐसी कोई हवा है नहीं, तो बाइक पे है ना हवा बाइक। हाँ वो तो है, रुकने के बाद तो आप जैकेट में ही कंफर्टेबल हो जाओगे, पत्तियां सारी शार्प है राइट से आना। वो सारे झरने हैं यार इस रोड पे, बढ़िया बढ़िया यार, ऐसे क्लाउड्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे कभी, बहुत ही प्यारे क्लाउड्स हैं और अच्छी ठंड हो गई अब। इट्स एक्चुअली राइड थ्रू द क्लाउड्स, इट्स लवली राइडिंग थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के बीच से उड़ते हुए। ये है भाई मंदाकिनी फॉल्स एंड इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स गुड वाटरफॉल। नीचे भी जा सकते हैं, अरे नीचे पूरा पूल है एक सीजे भाई, बिल्कुल क्लियर वाटर का, देख रहे हो आप, दिस इज ब्यूटीफुल यार, देख रहे हो, दिस इज अ फेमस वाटरफॉल मंदाकिनी। यहाँ तो यार नहा भी सकते हो आप जाके, पता है, एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर, एज क्लियर एज वाटर कैन गेट, समथिंग टेल्स मी कि अगर एनसीआर के पास होता तो हम फिर चिप से छुट्टी कर लेते, हर वीकेंड आ रहे होते। ये देखो झरने का जो पानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, और यहाँ जाकर आप नहा भी सकते हो। ठंड लगेगी बस भयंकर, और पूरा फॉग ही रहने रहा, देख रहे हो ऊपर पूरी फॉग है, इधर पूरे बादलों में फॉग है और कुछ है ही नहीं भाई। काफ़ी ज़्यादा कैफेज वैफेज हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए, बढ़िया है, इट्स अ गुड प्लेस। केयोंग नोजला, हाँ मैंने बोला, मैंने यही होगा, हाँ आपने यही बोला था। थोड़ी सी सीधी रोड, थर्ड गियर, फुल एक्सेलरेटर, 70 की स्पीड, वो देख हेयरपिन बेंड्स आने वाले, उसका मैप बना हुआ है। हाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे ना, अब होगी असली चढ़ाई स्टार्ट भाई। टफ है ये रास्ता, आसान नहीं है, पता नहीं एल्टीट्यूड नहीं है लेकिन बाइक्स का थोड़ा सा पावर लग रहा है, ये मानना पड़ेगा, एल्टीट्यूड उतना नहीं है, 10-11 हज़ार फीट ही है, बट मे बी यहाँ ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा कम होगा। ये देखो कोई झरना आया उसका पानी आ रहा है। हेलो भाई आपकी खिदमत में पेश है सोंगो लेक, क्या सुंदर लग रही देखने में यार, और इट्स ए नो ड्रोन जोन तो हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे, वैसे भी हम उड़ाने नहीं वाले थे क्योंकि आर्मी एरिया है थोड़ा सा, बट लेक तो आपको दिखा सकते हैं ना, ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ी है, पता है इसमें सनलाइट पड़ रही होती तो थोड़ा और वो हो जाता है ना। ये लो भाई देखो आप लोग, ये है ब्यूटीफुल सोंगो लेक, एंजॉय द वाटर, देखो इतना दूर है ये एक्चुअल में, बेहतरीन एक नंबर, ये बड़ी अलग किस्म की लेक है, बढ़िया नज़ारे लिए यार सोंगो लेक के। अब हमने अपना रेन लाइनर पहन लिया क्योंकि लगने वाली है ठंड ऊपर, शेर भाई नाथूला रह गया 17। नेहरू में आज एक फुटबॉल मैच है, यहाँ कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसकी, उसका सेमीफाइनल मैच है आज। पहले तो हम सोचे थे कि थेगू अगर नाथूला के बाद होगा तो हम वहाँ जाएंगे, बट अभी हमें पता चला कि नाथूला के पहले ही है तो नहीं जाएंगे। ये आया बेहतरीन व्यू, ये देखो यहाँ से व्यू देखो आप लेक सोंगो का, कितना बढ़िया व्यू है देख रहे हो। तो भाई चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे हैं, मज़े आते चले जा रहे हैं बादलों के बीच में, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, मतलब इतनी बढ़ गई है कि अब रेन लाइनर पहन के भी हल्की हल्की सी ठंड फील हो रही है, और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ विंटर लाइनर ही है और कुछ नहीं है, कपड़े तो भाई साहब हम लेके ही ना आए इस बार। थर्ड गियर तक बाइक ठीक चल रही है, चौथा गियर लगाते ही बाइक में ना थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी देखो चौथा गियर लगा रखा हूँ मैं तो, अगर फ्लैट है तो चल रही है। अरे क्या हुआ, जब हम लोग अकड़ चुके होंगे तब सीजे भाई कहेंगे हाँ ऐसा लग रहा है कि मेरे को लाइनर डाल लेना चाहिए। नहीं नहीं, तब सीजे भाई कहेंगे यार ये इसके ना वेंट्स बंद कर लेता हूँ। आपको बेतहाशा ठंड कब लगती है सीजे भाई, जब -10 हो जाता है तब?
तो ये जगह है ठेगू, ये तो 13,000 फीट पे हम लोग आ गए हैं। नाथुला इज जस्ट 13 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और बहुत ही अजीबो गरीब तरीके का माहौल है यहाँ पे, इतना फॉग है कि कुछ दिख ही नहीं। मेरा फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है, वार्म अप कर रहे हैं प्लेयर्स। फाइनली नाथुला रह गया सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, और भाई यहीं से गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, वी आर ऑन द टॉप। थोड़ा सा वेदर क्लियर हुआ है नाथुला पहुँचते पहुँचते, बट इससे पहले तो पूरा फॉग फॉग ही था यार, काफ़ी गाड़ियाँ पार्क रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। लुकिंग एट फिलहाल अभी फोटो खिंचाओ चल रहा है, हर बंदा सी जी भाई आपको 20 रुपये पर फोटो चार्ज करना चाहिए मेरे हिसाब से, 50-50 मान लेते हैं, हर कोई आके फोटो खिंचा रहा है, हमारी भाई की चवन्नी की इज्जत साला कोई छोटा बच्चा भी हमारे साथ फोटो नहीं खिंचाने आ रहा, मैं बोल रहा हूँ 20 रुपये ले लो आओ खिंचा तब भी नहीं आ रहा कोई खिंचाने। एवरीबॉडी लव्स अफ्रीका ट्विन। अरे अभी नाथुला टॉप पे चल के कुछ चाय समोसा लेते हैं यार, बहुत तेज भूख लगी, खाया नहीं था हम लोगों ने। ये ना हम अभी चाइना के आज तक हम लोग जितना क्लोजेस्ट आ पाए ना, आप स्क्रीन शॉट देख पा रहे हो, इफ यू कैन सी वो आप देख पा रहे हो जो चाइनीज में लिखा है ना, वो चाइना का चेक पोस्ट है, उस तरफ बिल्कुल क्लोजेस्ट हम लोग बॉर्डर के आए हैं, और इस तरफ हमारा चेक पोस्ट है, हार्डली 200 मीटर दूर चाइना का बॉर्डर है, हार्डली अगर स्ट्रेट डिस्टेंस निकालूं। क्या बात है यार, नाथुला इज द क्लोजेस्ट पास टू चाइना अगर आपको चाइना बॉर्डर देखना है तो। और हम लोग मतलब लेह लद्दाख में आप इतना पास नहीं जाते हो आप चाइना बॉर्डर के जितना यहाँ जाते हैं, बाकी वेदर बहुत ही अच्छा। वो भी चाइना का है क्या? वो आई थिंक इंडिया का ही है। तो यार नाथुला तो पहुंच गए, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अब हम चलते हैं जुलूक की तरफ, जुलूक का रास्ता बहुत ही अच्छा है एंड आई थिंक 2-2.5 घंटे की राइड है टोटल, तो जुलूक चलते हैं, जुलूक देखते हैं क्या माहौल है, वहाँ के लूप्स आपको दिखाएंगे। और नाथुला तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़े बादल थे तो यार बहुत अच्छा व्यू तो नहीं आया, बट वी ट्राइड जो भी हम बना सकें, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ाया, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तो ऐसे अलाउड नहीं, बट रास्ते में कहीं अलाउड उड़ा सकते थे, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंजॉय। चलो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।